हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आपके लिए एक नई जानकारी फिर लेके आया हूँ। 138 NIA एक्ट की बात करेंगे। चेक बाउंस के मामले बहुत सारे आजकल समाज में चल रहे हैं। समाज में क्या होता है, देखिए, चेक बाउंस को पहले हम समझते हैं कि आखिर ऐसी परेशानी समाज में हो क्यों रही है। चेक एक विश्वसनीय प्रपत्र होता है जिस भी पर्सन को दिया जाता है, वो पर्सन इसे विश्वास के तौर पर रखता है कि हमारे पास जो अभी अमाउंट है वो एक रियलिटी के तौर पर नहीं तो एक कागजी तौर पर है, जिसको मैं भरोसे के तौर पर अगर मैं बैंक में लगाता हूँ तो मुझे मेरी अमाउंट वापस मिल जाएगी। ये तो एक ये विश्वसनीय प्रपत्र है, संलेख है, जिसमें वचन देता है देने वाला कि मैं इस अमाउंट को अदा करने का वचन देता हूँ जब भी ये मेरे अकाउंट हो बैंक में लगाई जाएगी। अच्छा, कुछ जो दूषित प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे आजकल इस चेक का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए, चेक कब दिया जाता है, जब कोई भी पर्सन किसी भी जैसे कोई सामान खरीदता है तो उसके एवज में कैश पेमेंट ना करके चेक से कर देता है, या कुछ सेवा या फिर कोई ऐसी चीज सेवा वगैरह ली जाती है तो वहां पर जहाँ अमाउंट का लेन देन होना है वहां पर वह पर्सन चेक द्वारा पेमेंट कर देता है। अब चेक जो धूर्त किस्म के व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, एक तो अपने या तो सिग्नेचर में हेर फेर कर देते हैं या फिर उस पर इतनी अमाउंट का सामान खरीद लेते हैं या इतनी अमाउंट की सेवा ले लेते हैं जितने उस बैंक उसके अकाउंट में अमाउंट नहीं होती है, ठीक है। या फिर तो ये जो कंडीशन बनती है इसके द्वारा क्या होता है, वह चेक जब हम बैंक में लगाते हैं तो वह बाउंस हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे में जो पर्सन जिसने सामान सेल किया था या अपनी सेवा दी थी तो वह एक ठगा महसूस करता है, क्योंकि उसके पास ना तो अमाउंट आया और एक कागज के तौर पर जिसपे वह विश्वास कर रहा था कि हाँ बैंक द्वारा उसको पेमेंट मिल जाएगी और उसमें उसको पेमेंट नहीं मिली, तो उससे क्या होता है उसकी वो काफी ज्यादा मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा उसको क्षति होती है। तो ऐसे में वह पर्सन क्या करता है, चेक को लेकर वह न्यायालय में जाता है और अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रेरित करता है कि हाँ मेरा इस तरीके से अमाउंट चेक का मामला हो गया। तो ये स्थिति चल रही थी हमारे समाज में, मगर माननीय कोर्ट में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया जिसमें क्या है, NIA जो 138 की ये सभी जितने भी चेक बाउंस का मामला आता है 130 NIA एक्ट में आता है, ठीक है। तो इसमें 143A NIA एक्ट में और जोड़ दी गई जिसके तहत कि अब क्या होता है कि इसमें 20% अमाउंट जिसका जिस जो चेक जिसका मतलब कि चेक चेक का जिस जो जो पर्सन सेल करता है सामान या सेवा देता है उस पर्सन को वह 20% अमाउंट देनी पड़ेगी। किसके द्वारा देंगे, जिसका वह चेक था, ठीक है। तो इसी ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ये जो मैं बात बता रहा हूँ, आप उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चेक का मामला पड़ता है, चेक बाउंस का मामला पड़ता है, तो जो फरियादी पक्ष होता है जिसके पास वह चेक होता है और जिसने अपनी सेवा दे दी होती है, या सामान सेल कर दिया होता है, उसका सामान सेल होने के बाद भी उसे अमाउंट नहीं दिया जाता है, तो कोर्ट के सामने वह जाता है, कोर्ट के चक्कर लगाता है, लीगल खर्चे करता है, वकील के भी खर्चे करता है, और उसके बाद भी कोर्ट द्वारा जब समन भेजा जाता है या वारंट भेजा जाता है जिस अपोजिट पार्टी को, और उसके बाद वह आता है और अपनी जमानत लेकर चला जाता है, ठीक है। और दसियों साल मुकदमे चलते रहते हैं, मगर हमारे जो फरियादी पक्ष था उसके पास क्या होता है कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा क्षति और बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका सामान बिक गया, उसे अमाउंट नहीं मिला, दूसरी चीज़ यह वह न्यायालय के चक्कर काट रहा, आने जाने का खर्चा, वकील का खर्चा, कोर्ट फीस और दुनिया भर के खर्चे, और दसियों साल तक वह इंतजार करता है कि हाँ कब इसका मुकदमा फाइनल हो, कब इसको मेरे पक्ष में कुछ हो और डिसीजन, तब मुझे इसका अमाउंट मिलेगा, ठीक है। मगर कभी कभार ऐसी भी स्थिति होती है कि यहाँ पर कुछ बारीकियों से बचकर निकल जाता है। तो ऐसे में जिसको
इसमें फरियादी पक्ष का बहुत नुकसान हो रहा था। तो कोर्ट ने ये बात सोची, तो उसने 143A जो NI एक्ट की धारा और जोड़ दी, उसके तहत क्या है कि जब भी चेक का मामला होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है कि चेक अगर दिया गया है तो लेन देन तो हुआ है, क्लियर है, तो ऐसे में उसे 20% अमाउंट फरियादी को दे दी जाएगी। ठीक है, 20% अमाउंट देने से क्या होगा कि उसे एक आर्थिक तौर पर मदद मिलेगी, ठीक है, और वह अपने मुकदमा लड़ सकता है। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये आता है कि ये सोच न्यायालय ने क्यों सोची। न्यायालय को पता था कि चेक ऐसी चीज है कि ना तो ये चोरी डकैती द्वारा किसी ने प्राप्त करी होगी, लेन देन हुआ होगा तभी अपोजिट पार्टी को चेक दिया गया होगा, इसलिए ये सोच सोची कि 20% अमाउंट तो दे दो। अच्छा, किसी स्थिति में ये होता है कि अगर मान लीजिए फाइनल स्टेज पर जाकर अगर चेक देने वाला पर्सन निर्दोष साबित होता है और जो फरियादी पक्ष था उस वो दोषी साबित होता है, उसने फोर्जरी करके वो चेक में चेंजेस करके या फिर किसी अलग समझौते के तौर पर वो चेक प्राप्त करके और इस तरीके से बाउंस कराया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होता है कि उससे अपने कोर्ट अपने आदेश में जो 20% अमाउंट उस फरियादी पक्ष को दिलाई गई थी वो 20% अमाउंट भी वापस तुरंत देने का आदेश करेगा, प्लस कोर्ट का सारा खर्चा जो जो अब जो चेक देने वाला पर्सन था उसे दिया जाएगा, प्लस जो उसके वकील की उसने जो खर्चा किया है वो भी दिया जाएगा, ये सब मैं ब्याज के साथ पेश उसे वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसीडिंग चलती है। अच्छा, आपको सवाल आता है कि हमें प्रोसीडिंग करनी कैसे है। देखिए, जब भी आपका कभी भी चेक बाउंस होता है तो सबसे पहले आप समझिए कि क्या करना है। मैंने आपको ये बारीकियां बता दी कि 20% का इस तरीके से अमाउंट मिलता है, किस कंडीशन में क्या सोचे। अच्छा, 20% का अमाउंट तब दिलाया जाएगा जब तक आप फरियादी पक्ष लिखित में एप्लीकेशन देकर नहीं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है, बिना जब तक ऐसे नहीं है कि हाँ कोर्ट अपनी तरफ से डिसाइड कर देगा, क्योंकि ये जो 20% अमाउंट का होता है ये चार्ज डिसाइड होने के बाद देने की प्रोसीडिंग है, उससे पहले तब दिया जाता है जब फरियादी पक्ष अपनी लिखित एप्लीकेशन देकर कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरे ये 143 जो ये NI एक्ट में की धारा जो जोड़ी गई है 138 के साथ, उसमें मुझे ये प्रॉफिट दिया जाए या फिर मुझे ये एक मदद के तौर पर दी जाए। ठीक है, अच्छा, बाकी अपोजिट पार्टी का भी ऑब्जेक्शन लगाना चाहती है तो लगा सकती है, मगर बेसिक तौर पर 20% अमाउंट दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आपके सबसे मैंने मन में आती कि प्रोसीडिंग किस तरीके से करी जाए, 138 की कंप्लीट प्रोसीडिंग। देखिए, जब भी आपका चेक बाउंस होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक बाउंस होने के बाद वहां से लिखित में बैंक में मैनेजर द्वारा वहां पर रिसिप्ट मिलेगी, सब सारी डिटेल मिलेगी, वहां से वो रिसिप्ट ले लिए, देन उसके बाद किसी अच्छे वकील के पास जाना और वहां से अपना एक नोटिस तैयार करवाना है। ठीक है, आपको अपोजिट पार्टी को नोटिस देनी है, इस चीज के बारे में जानकारी देनी है कि आपका इस तरीके से चेक बाउंस हुआ है और मेरी जो अमाउंट है वो मुझे नहीं मिली है, जो भी मैंने आप वो सामान सेल किया था या जो मैंने आपको सेवा दी थी और इतने दिन तक मुझे वेट करना पड़ा, उस चीज का मुझे खर्चा दिया जाए मैं ब्याज के साथ, प्लस मेरे जो मैंने वकील किया है, जो मैंने लीगल खर्चा किया है वो मुझे दिया जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर उस नोटिस का जवाब आता है तो ठीक है, अगर वो अमाउंट दे देता है तो ठीक है, तो आगे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता है देन तो अपने वकील के जरिए कोर्ट से वहां पर मुकदमा कायम किया जाएगा, वकील आपका पक्ष आपका रखेगा, देन वहां से मुकदमा कायम होने के बाद कोर्ट द्वारा नोटिस जाएगा अपोजिट पार्टी को। ठीक है, और बाकी मैंने आपको प्रोसीडिंग बता दी, आप फिर वहां पर 20% अमाउंट मांगने की एप्लीकेशन अपने वकील द्वारा लगवा सकते हैं और फिर वहां से आपको वो 20% की अमाउंट रिलीज हो जाएगी, जिससे कि आप अपनी आर्थिक कुछ खर्चे तो चला ही सकते हैं। ठीक है, इसी तरह